तो उन लोग लंबे समय से मामला काफी टाइम से ये मामला चल रहा है, दो तीन बार हादसे वहाँ हो चुके हैं। जो कोई यदि एक्शन लिया जाता तो आज ये इतना कांड नहीं होता, क्योंकि पुलिस भेजी जाती तक कि हम लोग के मूर्ति पे क्यों तुमने चलाया, हम लोग तुम्हारे तुम लोग ताजिया निकालते हम लोग नहीं चलाते हैं, कि हम लोग के मूर्ति पे क्यों तुमने चलाया, हम लोग तुम्हारे तुम लोग ताजिया निकालते हम लोग नहीं चलाते हैं। चढ़ गए मतलब अपना झंडा लेकर उनके छत पे लगाने के लिए, जब छत पे लगाने के लिए चढ़ गए। बात क्या थी, मस्जिद से लोग आए थे आपके पास या फिर घर से आए थे? पत्थर घर से फेंका गया था, घर से छत पर सबके पत्थर रखे थे, वो लोग पूरे प्लानिंग के साथ थे। फोर पी एम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ क्षितिज कांत। इस समय बहराइच में हूँ और ये वही घर है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर तमाम परिवार के लोग रहते हैं। राम गोपाल के बगल में आप देखेंगे कि ये जो मकान जो छोटा सा दिखाई दे रहा है छप्पर का छोटा सा, ये राम गोपाल का मकान है, यहीं पर रहते हैं, उनके परिवार के लोग यहाँ पर हैं, बात करेंगे इनसे। और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जिस समय जो घटना विभत्स घटित हुई उस समय यहाँ पर परिवार के कुछ लोग भी मौजूद थे। यहाँ पर देखेंगे कि इनके बड़े भाई बैठे हुए हैं और आप कौन हैं उनके? साले, साले साहब हैं, तो ये छोटे साले भी हैं, आप थे जिस समय ये पूरी जो घटना हुई? वहाँ पे दुर्घटना के टाइम पे यदि पुलिस वालों ने कोई एक्शन लिया होता तो आज वो बच सकते थे उन लोगों। एक बात करेंगे, जो झंडा जो फहराया उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले जब हम लोग मूर्ति लेके निकल रहे थे तो उन लोगों ने पहले कहा था कि तुम्हारे जब मूर्ति निकलेगी तो हम लोग दंगा करेंगे, ठीक। तो ये कब बोला था? उन लोगों ने जब ताजिया रखी गई थी तो हम लोग उधर से थोड़ा हुआ था मामला, तो लंबे समय से मामला, काफी टाइम से ये मामला चल रहा है, दो तीन बार हादसे वहाँ हो चुके हैं। बट पुलिस वालों को पता था कि हर साल हादसा होता, बट केवल चार पुलिस आई थी वहाँ पे। ये हादसा कई बार उसकी शिकायत थाने में जा चुकी बट हरदी थाना के कोई पुलिस ने एक्शन नहीं लिया था। उस टाइम भी अद्धा भी चलाया गया, जब अद्धा चलाया गया मूर्ति खंडित हुई तो हम लोग की तरफ से एक्शन लिया गया, जब एक्शन लिया गया तो मतलब वो एक सवाल है, ये जो जो घटना जो पहले आपने बताया ताजिया वाली, ये पहले से इस तरीके से कई सालों से मामला चला आ रहा है? नहीं, ये दो तीन साल से मतलब होता रहता है टक्कर में, जैसे तनावपूर्ण रहता है। हाँ, तनाव, शिकायतें भी थाने में गई हैं, रिपोर्ट लिखवाया गया, एक्शन कभी लिया, एक्शन नहीं लिया गया इसके बारे में। जो कोई यदि एक्शन लिया जाता तो आज ये इतना कांड नहीं होता, क्योंकि पुलिस भेजी जाती तब, इसीलिए कोई एक्शन नहीं लिया गया उस पर। तो आपने भी कहा कि जब पहले जब उधर से जब मूर्तियां लाई जा रही थी तो पहले से ही कहा था अगर आओगे तो दंगा होगा, ऐसा दंगा होगा। हाँ, उन लोगों ने यही कहा था कि हम लोग क्यों ऐसे यदि निकालोगे तो हम लोग भी दंगा करेंगे। बट हम लोग उनकी जैसे ताजिया वाजिया निकलती तो हम लोग कुछ भी बोलते नहीं, यहाँ पर रखी जाती पास में, जैसे लोग जीजा लोग जानते हैं तो उन लोग हम लोग कुछ बोलते नहीं, वो लोग निकालते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं बोलते। बट उन लोगों ने कहा था कि तुम निकालोगे तो हम लोग बोलेंगे जरूर, तो उन लोगों ने पहले आकर साउंड बंद कराया। साउंड बंद कराने के बाद में ऊपर जो थे लड़के चढ़ गए बदतमीजी की वजह से, तो उन लोगों ने मूर्ति खंडित कर दी। तो कौन लोग थे जिन्होंने कहा था कि अपनी मूर्तियां लाओगे तो हम दंगा करेंगे? मतलब वही के महसी क्षेत्र के लड़के थे, बदतमीज लड़के, जो उनके सुनार के उधर थे उनकी तरफ से थे ये लोग लड़के। तो उन लोगों ने ईंटा चलाया तो मतलब वो मूर्ति खंडित हो गई, तब सब लोग मतलब हम लोग की तरफ से जितने हिंदू थे वो लोग भड़क उठे कि हम लोग के मूर्ति पे क्यों तुमने चलाया, हम लोग तुम्हारे तुम लोग ताजिया निकालते हम लोग नहीं चलाते हैं। तो उन लोगों ने मतलब उसके बाद में जब हमारे जीजा थे तो चढ़ गए मतलब अपना झंडा लेकर उनके छत पे लगाने के लिए, जब छत पे लगाने के लिए चढ़ गए तो उनके वहाँ जो लड़के थे उनको रोक लिए, ऊपर पकड़ लिए, जब पकड़ लिए तो वहीं पे उनको मतलब गोली शूट कर दी। जब चढ़े थे तो झंडा पीछे से फेंका भी गया था? हाँ, फेंका गया था। वो झंडा फेंक के किसने दिया था वो इतना हमको ध्यान नहीं, भगदड़ में जो हम लोग देख नहीं पाए थे, जैसे जब भगदड़ होने लगी तो मतलब वहाँ अद्धा चलाने लगे हम लोग के ऊपर, पुलिस भी हम लोग के ऊपर हावी हो गई। मतलब जैसे पुलिस वाले को उन लोग को बचाना, जीजा को बचाना चाहिए था, जो हमारे जीजा थे उनकी तरफ जाना चाहिए था, घर पे जाना नहीं चाहिए था। मतलब वो हम लोग के ऊपर ही लाठी चला दिया, जब अद्धा चला रहे हैं एक तरफ से मुसलमान लोग तो उन लोग की तरफ लाठी नहीं चलाए, हम लोग की तरफ लाठी चलाएं, ये भी जीजा थे सब लोग थे। यदि ये लोग भी यदि कहने लगे तभी पुलिस वाले अंदर इन लोग को नहीं जाने दिए, मतलब हम लोग के ऊपर तुरंत लाठी चार्ज कर दिया, उन लोगों ने गेट बंद कर लिया, यदि जाने देते तो बच जाते। तो बॉडी आप लोग लाए थे? हाँ, ऊपर से बॉडी हम लोग नहीं लेकर आते तो अंदर ही काट के खत्म कर देते उनको। तो दूसरे छत से लाए, दूसरी छत, दूसरी छत से वो छत पर हमने नीचे का गेट बंद कर लिया था। उन्होंने एक लड़की ने देखा कि जो ऊपर पटाखा लगाने गया था लड़का, उसको उन लोगों ने शूट कर दिया। जो पटाखा मतलब झंडा लगाने, जो झंडा लगाने गए थे उनका झंडा तोड़ के, मतलब वो अपना झंडा लगाने गए तो उन लोगों ने उधर पकड़ के उनको शूट कर दिया। आपका नाम क्या है? श्याम जी मिश्रा। श्याम जी मिश्रा से की बात हुई थी, ये साले साहब हैं उनके। आपका नाम क्या हुआ? शिवाजी मिश्रा। मौके पर आप भी थे? जी। तो घटना जब हुई उससे पहले क्या हुआ था, आपने क्या देखा था? यही हुआ था, हम लोग विसर्जन के लिए जा रहे थे, कोई घटना घटित होगी या होगा। ये भी एक बात हो रही क्या, ये प्री प्लान्ड था इस तरीके से बोला है, तो क्या वाकई प्री प्लान्ड था? देखिए, प्लान तो उन लोगों ने किया था, हम लोग विसर्जन के लिए जा रहे थे तो विसर्जन ही करना था, हम लोगों को ऐसे ही गए थे, जैसे इस वक्त ऐसे ही गए थे। हम लोग जब महाराजगंज पहुँचे तो महाराजगंज में जितने भी गांव होते हैं महाराजगंज में मूर्तियाँ इकट्ठा होती हैं सबकी। हम लोग पहुँचे, अब गाना वाना बज रहा था, माता जी का बज रहा था, वो लोग आपत्तिजनक पहले तो बातें की,
तो जब आपत्तिजनक बातें होंगी तो कोई भी धर्म होगा वहाँ किसी विशेष धर्म की बात नहीं हो रही, कोई भी धर्म होगा उसे नाराज़गी जाहिर होगी। हम लोग ने वही नाराज़गी जाहिर की कि ये बातें ना करिए, हम लोग अपना विसर्जन करने जा रहे हैं, विसर्जन होगा और कोई हम बवाल करने आए। ये भी आई कि मस्जिद से लोग आए थे, कुछ ये कहते हैं कि इधर घर से लोग निकले थे जिस पर झंडा फहराया, बात क्या थी, मस्जिद से लोग आए थे आपके पास या फिर घर से आए थे? देखिए वो लोग तो हमेशा ही कट्टरपंथी मुसलमानों में होती है, इसमें तो कोई बात कहने वाली है नहीं। नहीं, आपसे जो साउंड जो रुकवाने की जो बात हुई थी वो किधर से हुई थी, मस्जिद से लोग आए थे या फिर वो घर से आए थे? वहीं से आए थे, मस्जिद साइड से आए थे। मस्जिद से आए जी। फिर पत्थर घर से फेंका गया था, घर से छत पर सबके पत्थर रखे थे, वो लोग पूरे प्लानिंग के साथ थे, हम लोग तो विसर्जन के लिए जा रहे थे ना। और उसके बाद जब उन्होंने पत्थरबाजी की, मूर्तियाँ जब खंडित हुई तो हम लोगों ने पुलिस से मांग रखी कि मूर्तियाँ जिन्होंने खंडित की वो आकर माफ़ी मांग ली, कोई बात विवाद नहीं हुआ, क्योंकि मूर्ति विसर्जन में शांति बनाए रखने का हम लोगों की उम्मीद की गई थी। लगभग कितने पुलिस वाले थे वहाँ पे? लगभग 3 से 4, बस 4 लोग थे। अच्छा, एक बात और भी आई कि आप लोगों ने कॉल किया था थाने में, 112 भी डायल किया था उस समय? मैंने नहीं किया था, किया होगा, ये इन्फॉर्मेशन है नहीं मुझे। कोई एक्शन नहीं लिया गया था। तो अभी तक पता चला कि कॉल किसने की है? ये मतलब वहाँ के मतलब एक जीजा थे, मतलब इनके चाचा के लड़के हैं, तो वो मतलब वो साथ में है, साथ में उन्होंने कॉल किया था। राजन भैया ने, राजन जीजा ने कॉल की थी उन लोगों को, एम्बुलेंस के लिए भी कॉल किया था, उन लोगों ने एम्बुलेंस भी नहीं भेजा। तो कॉल की गई थी वहाँ से तो कोई पूरी प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिली? नहीं मिली, केवल उन लोगों ने कहा। भैया जी, मेन मुद्दे पे आइए, सब लोग बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है भाई, इतनी बात पूछिए। तो आप ये समझिए कि अभी तक के जिसने कॉल की थी उसके बारे में भी नहीं पता किया गया कि कॉल किसने की थी। यहाँ पे घर वाले ही बता रहे हैं कि इनके घर की तरफ से कॉल की गई थी। और दूसरी बात, जो तमाम सारी जो बातें अभी निकल करके आ रही है, कभी वो बता रहा है कि मस्जिद से लोग आए थे, कभी घर की तरफ से, तो काम माम बात यहाँ पर ये क्लियर है कि जो बड़ी जो घटना घटित हुई कहीं ना कहीं पहले से इसकी प्लानिंग थी, क्योंकि यहाँ पर ये भी बताया गया कि एक लंबे समय से तनावपूर्ण माहौल था, प्रशासन को इस बात की जानकारी थी पहले से भी, क्योंकि ये बताया गया कि जब ताज़िया वगैरह जब ले जाया जा रहा था तो इस तरीके का तनावपूर्ण माहौल बना था और जिसके बारे में पुलिस प्रशासन को पता था। तो जब मूर्तियाँ वहाँ से गुजरी तो प्रशासन उतनी मजबूती से मुस्तैद क्यों नहीं था, बड़ा सवाल। और जब बताया जा रहा है कि 15 से 17 मूर्तियां जब वहां पर मौके पर थी तो 4 पुलिस वाले ही क्यों थे, क्यों नहीं पूरा पुलिस प्रशासन का अमला था? बता दें, इस घटना से पहले 2 दिन पहले दशहरा था, फिर रविवार पड़ता है, क्या वाकई में छुट्टियां मनाई जा रही थी? क्या जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े दावे करते हैं ग्राउंड स्तर पर, वो सभी दावे क्या खोखले हो चुके? तमाम सवाल खड़ी करती है ये घटना, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ी छाप छोड़ता है पूरे देश भर में और ये घटना कहीं ना कहीं बड़ा सवाल लॉ एंड ऑर्डर पे भी खड़ा कर देता है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, इस घटना से जुड़ी हुई सारी खबरें, सारी अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहूंगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ, धन्यवाद।